का व्रत धनधान से भरी नाव ले वहां पहुंचा। वैष्णव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर है राजा को देखा। वैष्णव ने पूर्वक राजा से प्रश्न किया। वैष्णव को किनारे पर लगा सत्य व्रत कर है राजा को देखा। उस वैष्णव ने पूर्वक राजा से प्रश्न किया। साधु नामक वैश्य बोला कि हे राजन आप भक्ति के साथ क्या कर रहा मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला हे साधु नाम वैश्य हम बंधु बांधव के साथ विष्णु भगवान चंद्र सिंह श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। साथ दोनों का होता था किसका वैश्य का और ब्राह्मण का। वैश्य ब्राह्मण कोई भी कथा आप उठा के देखो वैश्य ब्राह्मण और ठाकुर तीनों का साथ रहता था। समझ गए वैश्य के पास पैसा होता था बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। समझ गए तो इसलिए जो है पैसे को साथ में रखना पड़ता था कि पैसे खर्चा होगा जरूर तो काम। अब बिना लक्ष्मी के जो है धर्म कर्म पूरा नहीं होता है। लक्ष्मी नहीं है तो क्या करेंगे सामग्री नहीं इकट्ठा होगी और जो सामग्री नहीं इकट्ठा होगी तो पूजा कैसे हो सकती है। हनुमान जी विभीषण से मिलने के लिए गए तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। सुंदर कांड में लिखा है क्या विप्र रूप धरि वचन सुनावा सुनत विभीषण कुठ कहीं आवा कर प्रणाम पूछी कुतलायी और विप्र कहा कथा बुझाई। क्या कहा सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़े